नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी लॉकडाउन इंक्रीज हो चुका है 2.0, जिसके अंदर कुछ रियायत दी है हमें बाहर निकलने की, बट उस पर भी कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन रह सकते हैं। आज मैं आपको जो कोरोना बीमारी है उसके लिए एक जो अपना मास्क आता है वो किस तरीके से बनता है, तो वो बनाने की जानकारी दूंगा आपको, और वो कैसे तैयार होता है, तो हमने घर पे उसकी प्रैक्टिस की है कि वो कैसे बनेगा। तो आप लोग भी उसको देखिए और कुछ सीखिए उसको बनाना, कि उसको किस तरीके से बना सकते हैं और अपना घर पे यूज़ ले सकते हैं। तो उसकी मैं पूरी अभी बनाएंगे और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर करना न भूलें। मेरे चैनल पे जो नया आया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आपको ऐसे ही वीडियो दिखाऊंगा। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर से बाहर नहीं जा सकते, अभी अंदर ही जो अपने पास यूजफुल जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। बट जब भी बाहर निकलना होगा तो मेरा ट्रैवल वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी हम मास्क बना रहे हैं, और मास्क के लिए ये आप कपड़ा देख रहे हैं, ये कपड़ा आपको चौकोर कलर का लेना है, फिर इसको कैंची से सीधा करना है, और कैंची सीधा करने के बाद में इसको अपन मशीन पे ले जाएंगे। आप देखना इसको कंटिन्यू हम कैसे इसको बना रहे हैं अभी, और इसको इस तरीके से मुड़ाई करनी है इसकी, आपको दिख रहा है इसके ऊपर मुड़ाई करके फिर इस पर सिलाई करनी है। तो इस तरीके से इसकी जो चौकोर बनाने चारों तरफ से इसको इस तरीके से मुड़ाई करनी है। ये करने के बाद में आपको सेम यही दूसरी साइड भी करना है। अब आपने देखा जिस तरीके से ये चौकोर अभी अपने को दोनों साइड से जो लंबी वाली दूरी है उसको इस तरीके से बारीक करके और फिर इसको सिलाई मारनी है, और उसके बाद में सेम जो अपने साइड में देख रहे हैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़े आकार में इसको चौड़ी पट्टी के रूप में इसको फिर दोबारा सिलाई मारेंगे। और इसमें जो कान के अंदर अपन डालते हैं इसको रोकने के लिए, अभी जिस तरीके से अपने इधर मारा था सेम वैसे ही करना है। देखिए आप सेम देखिए इधर दोनों तरफ से ही हो गया सेम, ये भी ऐसा हो गया और ये भी ऐसा हो गया। और अब इसमें अपन डोरी लेंगे, एक डोरी इधर डालेंगे एक डोरी इस कोने पे डालेंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे डोरी डालनी है। ये देखिए इस तरीके से डोरी डालनी है अपने को, और डोरी डालने के बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, फोल्ड करके फिर अपने को इस पर सिलाई मारनी है। सेम कंडीशन वो भी अपने को जिस तरीके से इधर अपन ने सिलाई मारी है सेम वैसे ही अपने को उस साइड भी करना है। आप देखिए जिस तरीके से इधर अपन ने किया था जो डोरी है उसकी आप पहले ऐसे देख लीजिए कि इतना आपने को काटना, उस डोरी को बराबर कर लीजिए, और सेम ऐसे ही आपको उस साइड भी करना है। देखिए आपने अब देख रहे हैं इस तरीके से अपने को मोड़ना है इसको और फिर सिलाई मारनी है।
बैठे हैं अभी, मास्क अपना तैयार हो गया है। कितना टाइम लगा इसमें? मात्र 10 से 15 मिनट लगी और अपना मास्क घर पे तैयार हो गया। अभी अपन दोनों जो डोरी हैं उनको बराबर, जो अपन अपने ईयर में डालते हैं कान में, तो उसको बराबर करके उस पर सिलाई मार लेंगे दोनों, तो उससे वो खुलेगा नहीं, वो जॉइंट हो जाएगा। तो इसको अपन जॉइंट कर लेंगे दोनों को। इस तरीके से मास्क ये तैयार हो गया है और अभी अपन इसको यूज करके बताता हूँ आपको कैसे यूज करना है। दोस्तों, अब मैंने आपको बताया, पहले से कपड़ा लिया था, फिर ये आप जो सिलाई देख रहे हैं इसको बारीक करके पहले इधर मारनी है और फिर सेम इस साइड में आप देख रहे हैं, और फिर अपने को इसके अंदर रस्सी डालनी है, कुछ भी अपना जो इसको अपन कान पे सपोर्ट कर सके ऐसा कुछ अपने को लेना है। डोरी लेनी है ऐसे, और डोरी लेके और उसको सिलाई मारनी है दोनों तरफ। और इसका यूज कैसे करते हैं, हो गया ये लो अपना मास्क तैयार हो गया। अब इस तरीके से मास्क बनता है, तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और आप भी इसका यूज कर सकते हैं। कान कितनी छोटा हो गया ये, है ना? ये टाइट नहीं हो गया? ये सही है, टाइट ढीला हो जाएगा ये फिर। देख निकल रहा है ऐसे, तो फिर ये नाक पे नहीं आएगा ना। इधर से खोल रही है, इधर से निकल रहा है। एक तरह से निकल रहा अरे यार, कान के दर्द मत कर। डोरी छोटी कर दी तूने उसकी, दिखाओ दिखाओ, कान में दर्द होता ढीली हो जाएगी फिर ये है। डोरी। ढीली नहीं होगी ये, ऐसे इतनी टाइट थोड़ी ऐसे होती। होता है वो मार्क्स, तो असली मार्क्स तो यही बनाया दे मैंने तो। मरना तो है, पर ये टाइट दे कितना है, कान कुछ इतने नहीं है, ढीला हो जाएगा फिर ये सही है एकदम। कहाँ बहुत टाइट है, का दर्द टाइट है, ढीली हो जाएगी फिर हो रहा है कान में, रहने देना, तो ये सही है मेरे लिए, देखना। मेरे लिए ये बेस्ट है। तुम लगा लो वो, तुम लगाओ एक बार कैसे लग मेरे तो रहा फिट आ रहा है, फिट है। हाँ आ रहा है, देखो, हाँ टाइट है ही नहीं। अब मस्त लग रहे हैं, ऐसे रहना पड़ेगा सबको। आने वाले समय में ऐसे रहो फिर। एक तो आता है गर्मियों के अंदर मुंह काला नहीं होगा ऐसे, है ना? यहाँ तक तो कुछ और आ जाएगा, फिर यहाँ मास्क आ जाएगा, ये सेफ्टी तो हो गई। बढ़िया दिख रहा है एकदम। अच्छा है। तुम्हारा वाला टाइट है यहाँ से ना? नहीं सही है मेरा तो। तुम्हारे सही है तो मेरे मेरे टाइट है वो। आंखों के पीछे मत कर यार, आवाज तो साफ नहीं आ रही है नहीं से। थोड़ा सा टाइट कर दूंगी आपको, नहीं सही है, ऐसे टाका मारना। थोड़ा सा ये इधर वाला ढीला है शायद, है ना? अरे निकल जाता अपने, हो गया।
मेरे को देख बार टाइट किया गया इसको रस्सी को रस्सी रही थी। बार बार टाइट मत करो यार। अब सही है, परफेक्ट है, अब सही लग रहा है एकदम मस्त। अब अपना मास्क तैयार हो गया एकदम मुलायम मुलायम मास्क है। सॉफ्ट दिखेगा ये तू लगा ले। ये मास्क बनाने का आपको इसका कुछ बता देता हूँ, इसका उपयोग किस तरीके से और इसका बेनिफिट क्या है अपने को। एक तो अपन घर पे इसको बनाएंगे तो अपना जो मेडिकल से अपन परचेज करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और एक तरीके से इसको अपन बनाएंगे तो इसमें कपड़ा और डोरी और मेहनत लगेगी और कुछ नहीं। इसको अपन बार बार यूज़ कर सकते हैं बट उसको अपन बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका बेनिफिट है। और सबसे बड़ा ये लॉन्ग टर्म है, वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। और इसको अपन घर पे बनाएंगे तो एक तरीके से इकोनॉमी कंडीशन पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा अपन मार्केट से ख़रीदेंगे और जो मेडिकल वाली मास्क आते हैं वो आई थिंक इंडिया में भी बनते हैं बट बाहर से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो बाहर से भी गवर्नमेंट परचेज करती है तो उसका पैसा बाहर जाता है। अपने को स्वदेशी अपनाना है तो अपना घर पे बनाइए और इसको यूज़ कीजिए। तो इसके ये इतने बेनिफिट हैं और ये यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलता, तो ये चीज़ इसके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मास्क तैयार किया और आप भी अपने घर पे मास्क तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए और इसको यूज़ कीजिए क्योंकि ये अपने लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। और इस समय घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए ज़्यादा से ज़्यादा, सेफ्टी का ध्यान रखिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरे को बताएं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। गाड़ी चलाओ, इधर चलाओ बेटा, उधर नहीं, इधर इधर चलाओ, एरोप्लेन चलाओ। मोदी तो गाड़ी बंद कर रखी है अपने, बेटो गाड़ी चलाओ। मोदी मोदी बोले गाड़ी नहीं चलाने, बाहर नहीं निकलना, हमें बेटा कह रहे पापा गाड़ी चलाओ। मोदी इनमें फट है, मोदी बैठे कौन बैठे।